Hello friends, my name is Suresh Mansharamani. I'm co-founder, Tajirba Business Network, certified trainer, certified Gallup Strength and Business Coach, 2 times TEDx Speaker. दोस्तों एक सवाल बार बार लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान भी हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी अच्छी तरह नहीं आती है. मेरी पढ़ाई ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में हुई, मेरी ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से हुई और लखनऊ में हमने बहुत सारा समय गुजारा तो वहाँ पर हिंदी ही ज़्यादातर यूज़ होती थी डे टू डे में और हिंदी मीडियम से ही हम पढ़े और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है तो हिंदी के साथ हम हमेशा कंफर्टेबल थे. लेकिन जैसे हम लोग दिल्ली आए और जैसे जैसे बड़े हुए जॉब करनी शुरू की तो एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स के साथ हम जीने लगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम सक्सेसफुल कैसे होंगे. और जो लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड हमारे सामने इंग्लिश बोलते थे तो मुझे बहुत डर लगता था. मैं इंट्रोवर्ट होकर एक तरीके से श्रिंक सा हो जाता था, चुप रहता था उनके सामने और लोग मुझे कहते थे कि ये इतना चुप क्यों रहता है. जबकि बात ये थी कि मुझे बोलना बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, मैं हिंदी में नाटक भी करता था, थिएटर आर्टिस्ट था, लेकिन इंग्लिश बोलने वालों के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती थी. मैं सेकेंड क्लास में फेल भी हुआ और सिर्फ हिंदी छोड़ के सब सब्जेक्ट पे फेल हुआ. तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि तुमसे स्लो और डम्ब स्टूडेंट मेरी क्लास में आज तक नहीं आया, मेरी ज़िंदगी में नहीं आया. और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अभी मैंने एक रिसेंटली किताब लिखी है जो गई है प्रिंटिंग में, ओन द स्टेज. वो पूरी किताब इंग्लिश में लिखी है और काश मैं उस टीचर को अब कहीं लोकेट कर पाऊँ, कहीं मिल पाऊँ. अगर वो ज़िंदा हो तो उनको ये किताब मैं भेंट करना चाहूँगा कि आपका वही स्टूडेंट जो बिल्कुल इंग्लिश बोल नहीं सकता था, सेकंड क्लास में फेल हुआ था और आपने ये कमेंट दिया था कि तुमसे बेकार और स्लो स्टूडेंट डब स्टूडेंट मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं आया, ये मैंने इंग्लिश में किताब लिखी है और मैं 2 बार टेडेक्स पे बोल चुका हूँ और मैं पूरा दिन ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ इंग्लिश में. तो ये सब कैसे हुआ और आप कैसे इससे लर्निंग ले सकते हैं और इस कॉम्प्लेक्स से अगर आपको है और ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश आप नहीं बोल पाते और आपको ये लगता है कि इंग्लिश सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है तो इस डर से, इस कॉम्प्लेक्स से कैसे छुटकारा पाएं, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, सवाल, क्या इंग्लिश सक्सेस के लिए ज़रूरी है? हाँ भी और ना भी. हाँ वैसे कि अगर आपको उस माहौल में जॉब करनी है, किसी मल्टीनेशनल में जॉब करनी है, बीपीओ में जॉब करनी है, कुछ बिजनेस ऐसा है आपका जहाँ पे बहुत सारा वास्ता आपका ऐसे लोगों से पड़ता है जहाँ इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है, तो जी ज़रूरी है. अगर आपकी जॉब इस तरह की है, सरकारी जॉब है, या आप किसी हिंदी पत्रिका में या जर्नलिस्ट हैं हिंदी के, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश समझने की या सक्सेस के लिए. या अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ग्रेट लीडर, वाजपेयी जी तो यूनाइटेड नेशन में हिंदी में बोला है. अभी रिसेंटली हाउडी मोदी जो ह्यूस्टन में मोदी जी का प्रोग्राम हुआ उसमें भी अपना भाषण उन्होंने सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और बहुत सारे सीनेटर्स बैठे थे लेकिन फिर भी हिंदी में दिया. ट्रांसलेटर बैठे थे जो उनको ट्रांसलेट कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, टीवी पे भी ट्रांसलेशन चल रही थी. तो पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी को सीखने की और उसका कोई सक्सेस से वास्ता नहीं है. हाँ आप सीखना चाहते हैं एज ए लैंग्वेज तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके काम आएगी, क्योंकि दुनिया के आधे से ज़्यादा मुल्कों में इंग्लिश लैंग्वेज चलती है. तो इंग्लिश एक ज़रूरी भी है सीखना, सीखना चाहिए, लेकिन उसको एक बैरियर मान के ना चलें कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप जर्नलिस्ट हैं या आप किसी ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन में जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है या पॉलिटिक्स में है तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीखना चाहें तो आपकी इच्छा है. अब इंग्लिश अगर नहीं आती है, आप हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट भी आते हैं कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही. बहुत सारी ट्रेनिंग में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं सर हमें इंग्लिश पूरी समझ नहीं आ रही तो मुझे हिंदी और इंग्लिश जिसे बोलते हैं मिला के यूज़ करनी पड़ती. तो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें? नंबर वन, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ एडमिशन ले लें. उसमें आपको इंग्लिश तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, आपको एक्सेंट की भी ट्रेनिंग देंगे. हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बीपीओ में काम किया, उनको इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन आज वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मेरे से भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और ऐसे एक्सेंट के साथ बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो शायद अमेरिका में कई साल 15-20 साल रहे होंगे, इतनी बढ़िया वो इंग्लिश एक्सेंट के साथ बोल लेते हैं. तो ऐसे इंस्टीट्यूट आप अपने आसपास कहीं लोकेट करें जहाँ पे एक्सेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है बीपीओ के लिए, कॉल सेंटर के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज का बोलना भी सिखाया जाता है. तो दैट इज़ वन वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. नंबर टू,
इंग्लिश अखबार पढ़े, अगर आपको इंग्लिश पे आगे बढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, तो इंग्लिश अखबार रेगुलर पढ़े। मैंने बहुत साल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़े, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ी, और इंग्लिश मूवीज़ मैंने बहुत देखी। हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ आती थी टेलीविज़न पे, उन दिनों टेलीविज़न जब नहीं होता तो हम चाणक्य सिनेमा पे जाते थे इंग्लिश मूवीज़ देखने, हर हफ्ते जाते थे। तो इंग्लिश मूवीज़ देख देख के काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा इंग्लिश समझने में और धीरे धीरे उसको कॉपी करने में। आज बहुत सारी ऐप ऐसी आ गई हैं जिस पर आप इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो ऐप आपको सिखाएंगी और बताएंगे कि कहाँ पे आपके डायलॉग में प्रॉब्लम आ रही है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस तो रोज़ मैं बहुत सारे लोगों को जिनको कोचिंग करता हूँ सिखाता हूँ कि एक जर्नल लिखने की आदत डालें। दुनिया के हर सक्सेसफुल आदमी लोग जर्नल लिखते हैं रात को, उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी मेमोरी बढ़ती है, हमारे मेमोरी कोच ने हमें सिखाया, अगर आप पूरे दिन के इंसिडेंट्स जो चल रहे हैं उसको याद करके आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो आपकी याददाश्त हमेशा बहुत अच्छी बनी रहेगी। और तीन लर्निंग, आज आपने तीन चीज़ें क्या सीखी खुद की गलतियों से, या आप किसी ऐसे शख्स से मिले जिनसे आपने कुछ सीखा, तीन लर्निंग और कल की टू डू लिस्ट, आप कल क्या करने वाले हैं वो उस डायरी में सोने से पहले अगर आप आधा घंटा लिख लें और ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखें तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और आप इंग्लिश में बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश बेहतर में बेहतर होती चली जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने घर में, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों के साथ, खास दोस्तों के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करें और उनको बता दें, भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाना। और आपको सही मायने में वो गाइड कर पाए, अगर उनको समझ है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उससे आपकी इंग्लिश बेहतर बेहतर हो जाएगी। बिफोर यू गो ऑन द स्टेज, आप जाके पब्लिक में बोलें, टीवी पे बोलें, अपने ट्रेनिंग्स कंडक्ट करें, स्पीचेस दें, या अपनी जॉब में फ्लुएंटली बोलें, तब तक आप घर में पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, अपने खास दोस्तों, खास रिश्तेदारों और घर वालों के सामने जितनी हो सके दिन भर इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं बोलें। आई गारंटी यू विद इन 30 to 60 days योर इंग्लिश विल बी वेरी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे नॉलेज वीडियो अपने 35 से 40 साल के तजुर्बे से आपके पास लाने वाला हूँ फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर बेनिफिट्स।